शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनपा की स्थायी समिति बैठक शुक्रवार को मनपा के मुख्य कार्यालय में संपन्न हुई। इस बैठक में समिति की ओर से दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। स्थायी समिति सभापति पिंटू झलके ने बताया कि एनआईटी ने मनपा को जमीन हस्तांतरण तो कर दी, मगर अभी तक आर्थिक हस्तांतरण नहीं हुआ है, इसीलिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देख सभापति ने प्रशासन को आदेश दिए है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करे। नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे जे नागपूर महानगरपालिकेला अनेक लेआउट हस्तांतरित करण्यात आलेले आहे, तर केवळ लेआउट हस्तांतरित त्यांनी केलेले आहे, मात्र लेआउट सोबत जे पैसे जे एनआयटीनी तत्कालीन सर्व नागरिकांकडून घेतलेले आहे विकास शुल्काच्या स्वरूपात, ते कुठल्याही प्रकारचे विकास शुल्क नागपूर महानगरपालिकेला दिले नाही। त्यामुळे ज्या ज्या लेआउटला हँडओव्हरची प्रोसेस कंप्लीट झालेली आहे अशा सर्व लेआउटच्या विकास शुल्काबाबत मागणी करण्याचे निर्देश आज मनपा प्रशासनाला देण्यात आलेले आहे आणि याबाबत पाठपुरावा करून जेवढे विकास शुल्काचे पैसे नागपूर सुधार प्रन्यासनी त्यावेळी घेतले ते सर्व पैसे शिल्लक अमाऊंट ही नागपूर महानगरपालिकेने आपल्या ताब्यात घ्यावे आणि त्यातून उर्वरित विकास करावा, याबाबत स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला आज देण्यात आलेले आहे। बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। काफी दिनों से लोक प्रतिनिधि अपने कामों पर लेकर रोष में है, इसी को लेकर इस बैठक में जो वर्क ऑर्डर निकले उस कामों को रोका गया है। समिति प्रशासन को आदेश दिए है कि 3 दिन में इस पर निर्णय नहीं लिया तो संबंधित अधिकारियों पर फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। मौखिक आदेश अनुसार कुठल्याही प्रकारे काम थांबवता येत नाही, याबाबत परिपत्रक किंवा तशी नोंद त्या फाईलमध्ये घेण्याची गरज प्रशासनाला वाटली नाही, त्यामुळे याबाबतची नोंद अधिकृत नोंद फाईलमध्ये घेण्यात यावी किंवा त्याबाबतचं परिपत्रक प्रशासनाने तात्काळ काढावं, अन्यथा याबाबत शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यानंतर याबाबत योग्य वाटल्यास गुन्हासुद्धा नोंदवण्याबाबतचं निर्देश आज प्रशासनाला देण्यात आलेला आहे।